नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिन पहले Huawei ने तो अपना Kirin 990 लॉन्च किया है और Snapdragon का 855 प्लस ऑलरेडी है और Apple अभी अपने A13 नया तरह का प्रोसेसर को लॉन्च किया है जो कि iPhone 11 के सारे मॉडल्स के अंदर है। अब इसका Antutu Benchmark स्कोर और Geekbench स्कोर भी आ चुका है और अब हम देखेंगे इन तीनों प्रोसेसर में से दुनिया का सबसे बेहतर प्रोसेसर आखिर कौन सा है और क्यों है। तो चलिए शुरू कीजिए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेटॉल चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजेटॉल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहले हम जानेंगे एपल A13, Kirin 990 या स्नैपड्रैगन 855 प्लस आखिर किस प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर बनाए। वैसे आज के जो सबसे बेहतरीन प्रोसेसर वो 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे तो बनता ही है, लेकिन इसमें भी एक फर्क है। देखिए, आप अगर कोई भी प्रोसेसर के पीछे लिखा हुआ देखते हो 7nm, मतलब वो 7 नैनोमीटर पे बनाए, लेकिन अगर उसके पीछे ऐसा लिखा हो कि 7nm प्लस, तो इसका क्या मतलब है? 7nm प्लस मतलब क्या 7 नैनोमीटर से ज्यादा साइज का है? बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचिए, मैं ये जो घर में बैठा हूँ इसमें 10 पेड़ लगा हुआ है, ठीक है? अगर 10 पेड़ लगा हुआ है तो हम उसे कह सकते हैं 7 नैनोमीटर। अब सोचिए 7nm प्लस मतलब घर का साइज सेम है लेकिन 10 के जगह यहाँ पर मैं 100 पेड़ लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा? ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगा। बिल्कुल सेम 7 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर प्लस के अंदर बिल्कुल यही डिफरेंस है। एक प्रोसेसर के जो छोटा सा जगह होता है उसके अंदर और भी ज्यादा ट्रांजिस्टर को ठूस दिया गया है। एपल A13 और Kirin 990 बिल्कुल यही आर्किटेक्चर पर काम करता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 850 प्लस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ही पुराना 7 नैनोमीटर वाला आर्किटेक्चर है। अगर हम तीनों प्रोसेसर के स्पीड की बात करें, Kirin 990 का स्पीड है 2.86 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम स्पीड और इसका प्रोसेसर कॉन्फिगरेशन है 222 मतलब ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और स्नैपड्रैगन 855 प्लस उसमें 134 मतलब एक हाई परफॉर्मेंस 3 लो परफॉर्मेंस और बाकी के 4 एकदम लो परफॉर्मेंस कोर है और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2.96 गीगाहर्ट्ज़। और एपल A13 चिप 6 कोर आर्किटेक्चर पर बनाए, पहले 2 कोर हाई परफॉर्मेंस, दूसरे 4 कोर लो परफॉर्मेंस और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2.66 गीगाहर्ट्ज़। अब मैं आपको Antutu Benchmark स्कोर के बारे में बताऊंगा। वैसे ये स्कोर मुझे पूरे इंटरनेट चलने में कई घंटे लग गए क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा था। कई जगह मुझे मिल रहा था Antutu वर्शन 7 का स्कोर, कई जगह मुझे मिल रहा था Antutu वर्शन 8 का स्कोर। अब मैं आपको बता दूं, अगर सेम प्रोसेसर को अगर हम Antutu के वर्शन 7 और वर्शन 8 में बेंचमार्क करके देखें तो लगभग 100,000 का स्कोर का डिफरेंस आएगा, तो इससे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने एकदम हर एक प्रोसेसर का वर्शन 7 का स्कोर जमा किया है। पहले हम देखते हैं स्नैपड्रैगन 855 प्लस का वर्शन 7 का Antutu स्कोर। 855 प्लस का वर्शन 7 का Antutu स्कोर है 396,000 और ये Asus ROG Phone 2 का स्कोर है। अब हम बात करते हैं Kirin 990 का Antutu स्कोर। इसका Antutu स्कोर है 462,000, मतलब देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस से ज्यादा Antutu स्कोर है Kirin 990 का। एपल A13 प्रोसेसर के Antutu स्कोर की बात करते हैं, उसका स्कोर थोड़ा वेरी करता है, मतलब 456,000 से 462,000 के मिडिल में। तो हम कह सकते हैं कि अगर Antutu Benchmark स्कोर की बात करें तो एपल A13 प्रोसेसर और Kirin 990 प्रोसेसर लगभग सेम है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, Antutu Benchmark स्कोर के ऊपर ज्यादा हमें भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि Antutu Benchmark स्कोर एक प्रोसेसर के CPU, GPU, मेमोरी सब कुछ को मिलाकर एक स्कोर देता है। अगर सोचिए कि किसी प्रोसेसर का CPU उतना पावरफुल नहीं है लेकिन GPU बहुत पावरफुल है, तो उसका जो ओवरऑल Antutu स्कोर वो बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हम Antutu स्कोर से ज्यादा Geekbench स्कोर को ध्यान में देंगे। तो Geekbench स्कोर क्या करता है? एक प्रोसेसर के सिंगल कोर और मल्टी कोर को एकदम ध्यान से परखता है। अब आपके फोन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है सिंगल कोर। एक प्रोसेसर का सिंगल कोर परफॉर्मेंस जितना ज्यादा होगा वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देगा, उतना ही कम लैग करेगा। अब हमें मल्टी कोर का इस्तेमाल कहाँ करना पड़ता है? देखिए, एक साथ 10-15 अगर ऐप जब खोल ले तो अभी हमें एक प्रोसेसर के मल्टी कोर की जरूरत पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हम अपने फोन के जो भी काम करते हैं लगभग 70% काम में हमें सिंगल कोर का ही जरूरत होता है। तो अगर हम Geekbench स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर और मल्टी कोर में स्नैपड्रैगन 855 प्लस का स्कोर है सिंगल कोर में 3600 और मल्टी कोर में 11000 जो कि Asus ROG Phone 2 का स्कोर है। अगर हम Kirin 990 की बात करें तो उसका सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर है 3800 और 11600 के आसपास। तो देख सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस से Kirin 990 का सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर ज्यादा है। अगर हम एपल A13 का सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो इसका सिंगल कोर है 5400 के आसपास और मल्टी कोर स्कोर है 13700 के आसपास।
तो आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर और मल्टी कोर में इन बाकी के दुनिया के सारे प्रोसेसर को एप्पल A13 प्रोसेसर आसानी से हरा देता है। और एक स्मार्टफोन का मेन चीज होता है इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं कि सिंगल कोर में बाकी सारे कॉम्पिटिशन से ये 2000 ज्यादा है। अगर Geekbench कोर में किसी प्रोसेसर का सिंगल कोर परफॉर्मेंस दूसरे प्रोसेसर से 2000 ज्यादा होता है तो वो डिफरेंस जैसे जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंत में मैं ऐसा कहना चाहूंगा, अगर मैं अभी दुनिया के सबसे बेहतर प्रोसेसर की बात करूं तो वो है एप्पल A13 प्रोसेसर, जो कि सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों में दुनिया के सारे प्रोसेसर से बेहतर है। अगर हम एंटूटू स्कोर की बात करें तो इसका स्कोर किरी 990 के बराबर है। तो अब मैं रैंकिंग करता हूँ, Geekbench स्कोर, एंटूटू स्कोर और प्रोसेसर आर्किटेक्चर या फिर प्रोसेसर क्वालिटी, इन तीनों को मिलाकर सबसे बेहतर प्रोसेसर है एप्पल A13 प्रोसेसर, दूसरा सबसे बेहतर है किरिन 990 और तीसरा सबसे बेहतर है स्नैपड्रैगन 855 प्लस। वैसे कुछ कुछ वेबसाइट में ऐसा दिखा गया है कि स्नैपड्रैगन 855 का जो एंटूटू स्कोर है वो 440,000 या फिर 480,000 से भी ज्यादा है। उसमें आप धोखा बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि वो जो स्कोर वो भी सही है, क्योंकि वो एंटूटू वर्सन 8 का स्कोर है। मैं यहाँ पर एंटूटू वर्सन 7 का स्कोर ले रहा हूँ, इसीलिए अगर एंटूटू वर्सन 8 का स्कोर मुझे कभी मिला तो मैं सारे प्रोसेसर को सेम सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस करूंगा। तो मैं इस वीडियो के आखिर में कहना चाहूंगा, यही एक मेन चीज है जिसके लिए एप्पल सारे कंपनी से ज्यादा अपने फोन के लिए चार्ज करता है। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।